Press the bell icon of the e-Parshala channel and never miss another update. So guys, welcome back to your class and this is your Vijay here. और बहुत बहुत स्वागत है अगेन आपका e-Parshala के चैनल में. ये वीडियो का पांचवा पार्ट है, चैप्टर 9th है. क्लास 11th की हिस्ट्री का ये चैप्टर 9th है. अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दोस्तों ये चैप्टर आ रहा है. इससे पहले हमने इस चैप्टर पे वीडियो पे हमने चार पार्ट किए हुए हैं और आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है ये वीडियो का पांचवा पार्ट बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है. तो मैंने कोशिश करी उसको एक इजी वे में समझाने की. तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, फिर आपको पूरा वे समझ में आएगा कि सही मायने में इस चैप्टर का मेन मकसद समझाने का क्या था. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट टेक्नोलॉजी बून और बैन. मतलब सही तरीके से अगर देखा जाए जो तकनीक, जो टेक्नोलॉजी हम फ्यूचर में गेन करेंगे या हमें जो मिल रही है अभी भी, वो तकनीक कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अभिशाप की तरह है और साथ में हमारे लिए कहीं ना कहीं ये मैं बोल सकता हूँ एक अभिशाप के साथ साथ एक वरदान की तरह है. तो ये बहुत बड़ा थॉट था और इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से वीडियो का जो पाँचवा हिस्सा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, और ऐसा ही सेम टेक्नोलॉजी के साथ भी है. टेक्नोलॉजी आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे अच्छे में यूज़ करते हैं या बुरे में यूज़ करते हैं. तो इसीलिए टेक्नोलॉजी हमारे लिए अभिशाप और वरदान दोनों ही है. वो इस फिफ्थ पार्ट में आपको समझ में आएगा. तो हमारी वीडियो स्टार्ट होगी यहाँ से, सरकार का दमन और विरोधी आंदोलन है, ठीक है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि सही मायने में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था ब्रिटेन के अंदर और 26,000 आविष्कार हुए, जो सही मायने में छोटी बात नहीं है. तो ये कैसे मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव भी बन गया पॉजिटिव. अभी तक आपने सारी पॉजिटिव चीज़ें देखी थी और आप नेगेटिव चीज़ें भी देखने की कोशिश करेंगे. सो नाउ अब हमें ये देखना है कि जिस समय इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हो रही थी उस टाइम पीरियड पे फ्रांस के अंदर एक सिस्टम चल रहा था. वो सिस्टम कौन सा था अगर आपको याद हो, नाइन्थ क्लास की अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो या आपने सिक्स्थ लेसन पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा. आपको फ्रांस के बारे में ये पता होगा कि फ्रांस के अंदर उस टाइम पीरियड पे तीन ही कैटेगरी के लोग रहते थे जिसे आप थ्री ऑर्डर बोलते हैं. ये आपने सिक्स चैप्टर के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से समझा हुआ है. क्लर्जी, नोबल्स और कॉमन पीपल जो तीसरे स्टेट पे आते थे. प्रॉब्लम बस ये थी कि पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर तीन कैटेगरी में लोग डिवाइड तो थे लेकिन क्लर्जी जो संख्या में सिर्फ 1% होते थे लेकिन 10% जमीनों का हिस्सों के मालिक होते थे. नोबल्स जो संख्या में 2% होते थे लेकिन 25% जमीनों के मालिक होते थे. और थ्री स्टेट के लोग जो संख्या में 97 तो हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 65% लैंड पे ये लोग रहते थे. तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों की जो कंडीशन थी, चाहे वो उसमें सिटी वर्कर्स हो और चाहे उसमें किसान हो, चाहे उसमें लैंडलेस फार्मर हो, कोई भी हो, उनकी संख्या ज़्यादा थी लेकिन वो कम ज़मीनों पे रहते थे. और यहाँ पे फ्रांस के अंदर इशू सबसे बड़ा ये हुआ था कि फ्रांस के अंदर तीसरी स्टेट के लोगों को दो टाइप का टैक्स देना पड़ता था. एक टैक्स था टैली जो डायरेक्टली सरकार को डायरेक्टली देना पड़ता था और एक टैक्स था हमारा टीथ टैक्स. तो दोस्तों ये टीथ टैक्स जो होता था वो थर्ड स्टेट के लोगों को क्लर्जी यानी कि चर्च को देना पड़ता था. लेकिन ये दोनों टैक्स जो होते थे ना, नोबल्स और क्लर्जी दोनों ही देते नहीं थे सरकार को. यानी कि अगर टैली टैक्स की बात आए तो ना तो नोबल इस टैक्स को पे करता था और ना ही क्लर्जी इस टैक्स को पे करता था. एंड दिस इज़ द मेन डिस्क्रिमिनेशन. ये मेन अंतर था फ्रांस के अंदर कि टैली और टैक्स को लेके जो लोग संख्या में सबसे ज़्यादा हैं उनको टैक्स देना पड़ रहा है, जो संख्या में सबसे कम है उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा. इसीलिए फाइनली यहाँ पर फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस के थर्ड स्टेट के लोगों ने फाइनली वहाँ पे क्रांति छेड़ दी होती है क्योंकि वहाँ पर भी सेम यही प्रॉब्लम थी जो इंग्लैंड में अभी आपको बताई जाएगी. फ्रांस के अंदर इस क्रांति का मेन मकसद यही था कि एक तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना. इसीलिए यहाँ पे उन लोगों ने उस राजा के खिलाफ क्रांति छेड़ दी थी और फाइनली लोगों ने मांग करा कि वहाँ पे एक नेशनल असेंबली बननी चाहिए जो जनता के द्वारा चुनी हो, जनता वोट दे सके और जनता ही कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पास करे. तो शुरुआती समय में दोस्तों
फ्रांस के राजा लुईस जो 16 है उन्होंने इस बात पे अमल नहीं करा, लेकिन थर्ड स्टेट में भी कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने फाइनली ये कहा कि हम नेशनल असेंबली अलग बनाएंगे, इसलिए उन लोगों ने टेनिस कोर्ट ओर्थ लिया। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो का जो पांचवा हिस्सा है वो आपको क्लेरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता ये वाला पोर्शन, इसलिए मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करी है फ्रांस के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस की स्टोरी क्यों बताई जा रही है, आपकी बुक के अंदर सिर्फ दो लाइनों के अंदर से समझाया हुआ है लेकिन उसमें सारी स्टोरी क्लियर नहीं हो पा रही है इसी वजह से। सो फाइनली वहाँ का राजा जो होता है वो बोलता है नेशनल असेंबली नहीं बनेगी, क्योंकि राजा का शासन अगर फ्रांस के अंदर ख़त्म हो जाएगा तो राजा का डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ के लोकल लोग नेशनल असेंबली की मांग इसलिए कर रहे थे कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए, और जिस तरीके से खाने के ऊपर जो मेन खाना है उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है राजा के द्वारा, वो ख़त्म होना चाहिए। देन फाइनली उन्हीं में से पढ़े लिखे लोगों ने टेनिस कोर्ट के अंदर जाके ओथ ली, कसम खाई, और उन लोगों ने अपनी खुद की क्या कहते हैं नेशनल असेंबली बनाई। खुद की जब नेशनल असेंबली बना दी इन लोगों ने तो वहाँ से फिर राजा का शासन ख़त्म होता है और फाइनली फ्रांस धीरे धीरे करके आज़ाद होता है। दोस्तों फ्रांस जब आज़ाद होता है तो उनका मेन मकसद ये होता है कि वो चाहते हैं स्वतंत्रता, जैसे आप लिबर्टी बोलते हैं, वो चाहते हैं इक्वालिटी, जैसे आप बोलते हैं समानता, वो चाहते हैं फ्रेटर्निटी, जैसे आप बोलते हैं भाईचारा। यानी कि ये तीन चीज़ें जो हमने फ्रांस के रिपब्लिक स्टेट से लेने की कोशिश करी और ये सेम चीज़ें हमने अपने संविधान में भी डाली थी। तो जिस टाइम पीरियड पे राजा से बगावत की बात चल रही थी फ्रांस के अंदर लुईस 16 के राजा से, तो वहाँ के लोकल लोग भी इस चीज़ों को समझ रहे थे कि राजा जो होता है वो जनता के प्रति वफादार अकाउंटेबल होना चाहिए, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। सेम दोस्तों यही सिचुएशन इंग्लैंड की थी। अब इंग्लैंड के अंदर आपको ये तो अच्छे तरीके से पता है कि इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से औद्योगिक क्रांति हुई थी, और जब औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो 1750 से लेकर 1850 लगभग इन 100 सालों के बीच में जो बड़े बड़े स्टेट्स होते थे, सिटीज़ होती थी, वो 2 से बढ़कर 29 हो गई थी। यानी कि इन स्टेट्स के अंदर लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग अब रहने लग गए थे जो इंग्लैंड और वेल्स के जो सिटीज़ वाले इलाके थे। उसका कारण आपको पहले भी पता था क्योंकि 18 सेंचुरी के बीच में बड़े बड़े ज़मींदार जो होते थे उन लोगों ने अपने घरों के अलावा दूसरी बड़ी ज़मीनों को परचेज कर लिया था, और जो वहाँ के लोकल लोग होते थे वो ये सब आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये जो वहाँ के लोकल लोग जो अपने भेड़ बकरों को वहाँ पे चराते थे अब उनको परमिशन नहीं मिल पा रही थी, उन आम आदमियों को उनकी आम ज़मीन पे अब जानवरों को चराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए उन लोगों को कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ा। दूसरा ऑप्शन कौन सा, उन्हें दूसरी अच्छी नौकरी की तलाश करनी थी, इसलिए वो लोग कहाँ आ गए, वो लोग शहरों की तरफ माइग्रेट हो गए, और लंदन सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में बोल सकता हूँ, सबसे बड़े शहरों में तब्दील हुआ, फिर वहाँ पे सेंट्रल हब बना, मार्केट बनी, ये सब आपने देखा, रिलेट कर दिया था मैंने आपको। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि जो अमीर वर्ग थे वो बड़ी पॉश कॉलोनियों में रहते थे और जो गरीब वर्ग थे बेचारे वो अनहाइजीन प्लेसेस पे रहते थे, यानी कि वहाँ पानी की सही सफाई नहीं होती थी और घर की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, पीने को साफ़ पानी नहीं मिलता था और लोग आप देख रहे थे मर रहे थे कितने ज़्यादा, वो मैंने आपको डेटा पहले ही बताया। ये सेम एज इट इज़ इंग्लैंड और फ्रांस जैसा ही है। इंग्लैंड के अंदर भी उन लोगों की संख्या कम थी लेकिन वो ज़्यादा डोमिनेंस करते थे, और फ्रांस के अंदर भी यही प्रॉब्लम थी कि क्लर्जी और नोबल्स की संख्या कम थी लेकिन थर्ड स्टेट के लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। अब क्योंकि लंबे टाइम पीरियड से ऐसा बोला जाता है, लंबे टाइम पीरियड से फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में वॉर चल रहा था। तो दोस्तों ये जो वॉर का टाइम पीरियड था मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वॉर का टाइम पीरियड था 1792 से लेके 1815 तक। इस टाइम पीरियड के बीच में कहाँ पे वॉर चल रहा था, वॉर चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अब वॉर से जो मज़दूर बेचारे अपने गांव से शहरों की तरफ आए हैं उनकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही थी। कैसे इफ़ेक्ट हो रही थी दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों को सही मायने में सही तरीके से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इन लोगों में आपने देखा था कि औरतें और बच्चों को नौकरियों पे ज़्यादा रखा जाता था क्योंकि वो सैलरी की डिमांड कम करते थे और उनसे ज़्यादा काम भी करवाया जा सकता था। तो दोस्तों इसी बीच यहाँ पर इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा टू कॉम्बिनेशन एक्ट लॉ पास हुआ। ये लॉ इसलिए पास हुआ ताकि ये जो प्रोटेस्ट इंग्लैंड के अंदर हो रहा था उनके राजा के खिलाफ या उनके शासन के खिलाफ वो बंद हो जाए।
वो दो टू कॉम्बिनेशन एक्ट कौन सा था, जैसे आप हिंदी में दो जुड़वा अधिनियम बोलते हैं। दोस्तों ये एक्ट इसलिए पास किया गया ताकि ब्रिटेन की संसद ये बता सके कि फ्रांस के साथ जो हमारा वॉर चल रहा है उस वॉर से इंग्लैंड भी इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत सारा सामान फ्रांस से भी इंग्लैंड में आता था और फिर बाद में बिजनेस ख़त्म हो गया था उनके बीच में, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्रांस ने अपनी कंट्री के अंदर अपनी शासन व्यवस्था को ठीक चलाने के लिए, इन आंदोलनों को बंद करने के लिए टू कॉम्बिनेशन एक्ट चलाया था 1795 में। क्यों चलाया था? क्योंकि उसी टाइम पीरियड में अगर आप देखें 1792 से लेके 1815 के बीच में तो वॉर चल रहा है इंग्लैंड का और फ्रांस का, है ना। इसलिए उन्होंने टू कॉम्बिनेशन एक्ट करे। दो कौन से? उन्होंने बोला अनऑथराइज्ड पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, मतलब 50 से ज़्यादा अधिक लोग अगर कहीं पे खड़े हुए मिल गए और वो पूरी तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाषण के थ्रू या अपनी लेखन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राजा के खिलाफ है ये वो, तो आपको क्या कहते हैं उस समय जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा, आप कभी भी राजा और वहाँ के संविधान और वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो दो तरीके का क्या कहते हैं लॉ पास करा गया। सबसे बुरी बात यहाँ पे ये थी कि इंग्लैंड के लोग जो वहाँ की नॉर्मल जनता थी वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर रही थी कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके या ऐसी उन्हें कम से कम वोट देने का अधिकार होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की पार्लियामेंट, जैसे आप हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो मजदूर वर्ग है जो बेचारे शहरों से और गाँव से शहरों में काम करने आए थे, काम की तलाश में आए थे, उन्होंने वोट का अधिकार मांगा था लेकिन उनको वोट देने के अधिकार से वहाँ की पार्लियामेंट ने मना कर दिया। सेम एज इट इज जो फ्रांस के अंदर हो रहा है, देखो दोस्तों वहां पे फ्रांस के लोगों ने भी यही चीज डिमांड करी कि हमारे पास भी राइट टू वोट होना चाहिए, लेकिन वहां के राजा ने मना कर दिया। वहां के राजा ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो शुरुआती समय से वहां पे बर्बन डायनेस्टी राज कर रही थी, और लेकिन वहां के लोगों ने फिर भी नेशनल असेंबली बनाई और बाद में जाके देश आजाद होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे मजदूर वर्ग जो लेबर कम्युनिटी थी उन लोगों ने बोला हाउस ऑफ कॉमन्स को कि हमें भी राइट टू वोट करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हम भी गांव से शहरों में तुम्हारे लिए काम करने आए हैं, तुम्हारी फैक्ट्रीज में काम करने आए हैं, और अब यहाँ पे क्या कहते हैं अगर आपको राइट टू वोट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारे तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, हम ना तो सरकार चुन सकते हैं ना तो कुछ चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे क्लर्जी और साथ में यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो नोबेलिटी क्लास के लोग थे ना हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ज्यादा भरे हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि जो वर्किंग क्लास पीपल है उनको भी राइट टू वोट मिल जाए, है ना। तो ये सिस्टम कुछ ऐसे काम कर रहा था। हाँ, लेकिन क्लर्जी और नोबेलिटी को जहाँ पे अपना फायदा होता था ना वहाँ पे वो लॉ बहुत जल्दी पास करवा लेता था, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल था कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ एक ऐसा लॉ था दोस्तों जो सही मायने में क्लर्जी और नोबेलिटी के लिए फायदे वाला लॉ था, क्योंकि याद करो अगर फ्रांस के साथ हमारा युद्ध चल रहा है 1792 से लेके 1815 के बीच में, तो इस टाइम पीरियड पे फ्रांस से जो भी सामान हम इंग्लैंड के अंदर आ रहा होगा अब वो सामान आना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है वहाँ से ब्रेड आता था, खाने पीने की चीज़ें आती थी, जो फाइनली अब यहाँ से बंद हो जाएगी इंग्लैंड में आना। लेकिन यहाँ पे क्लर्जी और नोबेलिटीज़ ने क्या करा, उन्होंने क्लर्जी और नोबेलिटीज़ ने कॉर्न लॉ लगा दिया। कॉर्न लॉ एक ऐसा लॉ था जिसमें ये बोला गया कि अब हम लोग फ्रांस से या बाहर की किसी भी कंट्री से अनाज नहीं लेंगे। और दोस्तों आपको पता होगा मैंने बताया था कि नोबेलिटीज़ वही लोग होते हैं जो बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक होते हैं। अब इनकी ही ज़मीन पे जो अनाज उगता था ये उन्हीं अनाज को देश में बेचने की कोशिश कर रहे थे, और जिसे ओल्ड करप्शन के नाम से जाना गया, जिसे पुराना भ्रष्टाचार कहा गया। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े मालिक होते थे इन लोगों ने क्या करा, बड़े बड़े मालिकों ने उस टाइम पीरियड में ये करने की कोशिश करी कि अपनी ज़मीनों पे जो अनाज था उसको बेचते थे और वो भी महंगे दामों में। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ की बुरी बात थी ये, जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के नोबेलिटीज क्लास ने अपने फ़ायदे के लिए इस लॉ को पास कर दिया, मतलब जहाँ उनका फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे इन लोगों ने उस लॉ को पास कर दिया। अब इसकी वजह से ना तो इंग्लैंड के अंदर लोगों को खाने का सही प्रॉपर तरीके से सस्ता सामान मिल रहा है, ना ही राइट टू वोट मिल रहा है, और ना ही लोगों को जॉब्स मिल रही है सही तरीके से। इसीलिए मजदूर लोगों ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए
उन लोगों ने टाउन्स के अंदर, कारखानों के बाहर, इन सभी लोगों ने, मजदूरों ने अपना गुस्सा दिखाना चालू करा। दोस्तों जब उन्होंने गुस्सा दिखाना चालू करा तो ऐसा ये कहा जा सकता है कि 1790 के बीच के बाद है, उसी टाइम पीरियड से गुस्सा दिखना चालू हो गया था। लोगों को मेन खाने को नहीं मिल रहा था अनाज, जैसे आप ब्रेड बोल सकते हैं, वो लोगों को नहीं मिल रहा था। और आप सोच सकते हैं कि जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो वहाँ की जनसंख्या कितनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी, और लोगों को जो सामान मिल रहा है वो भी ज़्यादा मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, और साथ में यहाँ पे जो फैक्ट्रीज वर्कर है वो भी इन लोगों को जॉब सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। मतलब देख रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अच्छी भी है और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बुरी भी है। तो एक और परेशानी की बात ये थी कि उसी टाइम पीरियड के अंदर इनक्लोज़र हुआ। इनक्लोज़र मतलब चकबंदी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े ज़मींदार जो होते हैं अपने घरों के साथ साथ जो उनके फार्म हाउस होते हैं, उन फार्म हाउस के साथ और जो प्लेसेस होती है ना, उनको भी अपने खेतों के अंदर मर्ज कर लेते हैं। तो बड़े बड़े ज़मींदार क्या करते हैं, छोटे छोटे सैकड़ों खेतों को अपनी जागीरदारी में या अपने लैंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे बोलते हैं चकबंदी। और अब उनकी ही ज़मीनों पे जो अनाज पैदा हो रहा है वो अनाज दोस्तों अब वो अपने महंगे दामों में बेचने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जब फैक्ट्रीज बननी चालू हो रही थी, पहले आप इसे समझ लीजिए कि ये चकबंदी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बिग लैंड ऑनर्स को फ़ायदा हो रहा है और इसकी वजह से आपको पता है कि फिर इन लोगों को माइग्रेशन करना पड़ गया था जॉब्स की तलाश में, और औद्योगिक क्रांति यहाँ पे होनी चालू हो गई थी। औद्योगिक क्रांति की वजह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो बन रही थी, लेकिन जो बेचारे हाथों से काम करने वाले मजदूर थे, जो अपने घरों में काम करते थे, अब उन लोगों को भी दिक्कत होनी चालू हो गई। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको समझ में आएगा डायरेक्टली थ्रेशिंग मशीन से। अगर आपको थ्रेशिंग मशीन याद हो तो थ्रेशिंग मशीन सही मायने में एक जीता जागता एग्जाम्पल था। मैं थ्रेशिंग मशीन का एग्जाम्पल बताता हूँ। थ्रेशिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो शुरुआती समय में नहीं आई थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति होने की वजह से थ्रेशिंग मशीन में कुछ बदलाव आए। क्या बदलाव आए, मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है तो थ्रेशिंग मशीन जो है, नॉर्मल अनाज जो होता है उसे गेहूँ निकालने का काम बहुत आसानी से कर सकती थी थ्रेशिंग मशीन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थ्रेशिंग मशीन की वजह से बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया था। क्यों? क्योंकि नॉर्मल मजदूर जो थ्रेशिंग मशीन के बिना भी अनाज निकालते थे और उनको नॉर्मल सा रोजगार मिल जाता था और उनको नॉर्मल से सैलरी मिल जाती थी और उनका गुजर बसर चल जाता था। लेकिन थ्रेशिंग मशीन के आने के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, अब उनकी वो भी मजदूरी छिन रही थी। इसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ब्रिटेन के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे दंगे होने लग गए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में। और यहाँ पे ना तो उन्हें राइट टू वोट मिल रहा है, ना लोगों को जॉब्स मिल रही है, खाने को चीज़ें मिल रही है तो भी महंगी मिल रही है ना। तो एक तो ये सिस्टम चल रहा था इंग्लैंड के अंदर, और दूसरी तरफ एक सिस्टम चल रहा था यहाँ पे, पार्लियामेंट ने इस सिस्टम को पास करने के लिए ये भी कहा कि ठीक है, अगर आपको न्यूनतम मजदूरी चाहिए तो हम फॉलो तो करेंगे लेकिन कुछ समय के बाद। यानी कि यहाँ पे जनता स्ट्राइक पे जाना चालू हो गई थी। नॉर्मल लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, नॉर्मल लोगों को कुछ जॉब्स नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पे एक जीता जाता एग्जाम्पल है जो उन आंदोलनों से या उस सिस्टम से बहुत ज़्यादा अलग था, वो था जनरल नेड लूड ने बनाया था। जनरल नेट लूड एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लूडिज्म की शुरुआत करी थी। लूडिज्म एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसा प्रोटेस्ट मूवमेंट था जो सही मायने में वर्कर के राइट्स के लड़ने के लिए बनाया गया था। क्योंकि जब मशीनों का आविष्कार हुआ था तो बहुत से लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही थी। मतलब आप देख रहे हो ना, साइंस यानी कि टेक्नोलॉजी एक तरफ लोगों के लिए अच्छी भी है और दूसरी तरफ लोगों के लिए बुरी भी है। जहाँ मशीनें ना होने की वजह से 100 लोगों को रोज़गार मिल रहा था, वहाँ मशीनें बनने के बाद अब लोगों को 10 लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और ज़्यादातर यहाँ पे वुमेन्स हैं और ज़्यादातर यहाँ पे छोटे बच्चे हैं जिन्हें नौकरी पर रखने की कोशिश करवाई जा रही थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लूडिज़म उन आंदोलनों से बिल्कुल अलग था। लूडिज़म इसलिए अलग था जो जनरल नेड लूड के द्वारा बनाया गया था। उनका मेन मकसद था कि हमें कभी भी लड़ाई लड़के, या मैं बोल सकता हूँ कि मशीनों को तोड़कर, या वर्कर्स जो है फैक्ट्रियों के बाहर धरना देके बैठ जाते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। इन्होंने सिस्टम
प्रोसेस के हिसाब से काम करने की कोशिश करी। इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि हमें जो बच्चों को और महिलाओं को वेतन मिलता है, हमें उस पर थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, हमें उस पर लॉ बनाने पड़ेंगे। दूसरा, जिन लोगों को जॉब्स छूट गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, उनको हमें काम दिलाना पड़ेगा। और तीसरा, सरकार को हमें ये अधिकार देना चाहिए कि हम लोग ट्रेड यूनियन बना सके। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा लुडिज़म एक जीता जाता एग्जाम्पल था, बिल्कुल अलग तरीके से। देन फाइनली आपको समझ में अब आ रहा होगा कि कैसे वहाँ के नॉर्मल लोग अपने जॉब्स की तलाश के लिए इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। देन फाइनली एक दिन आता है अगस्त 1819 में, 80,000 वर्कर्स जो थे, क्लास पीपल वर्कर्स, वो पीसफुली खड़े हुए थे सेंट पीटर्स के फील्ड में, जो मैनचेस्टर के अंदर है। दोस्तों, मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड के अंदर है, लेकिन हमारे भारत के अंदर भी एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा स्टेट है जैसे हम लोग इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं। इंडिया का मैनचेस्टर मतलब ये एक औद्योगिक शहर है जो इंग्लैंड का है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भी एक मैनचेस्टर है, लेकिन हम उसको दूसरे नाम से पुकारते हैं। वो कौन सा है, कमेंट करिए, फाइंड आउट करिए और बताइए। अब 1819 में ये सारे वर्कर जो थे वो इकट्ठा होते हैं, कहाँ पे, सेंट पीटर्स फील्ड में। आप देख सकते हैं पीटर लू के अंदर इकट्ठा होते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि वहाँ की सरकार ने एक एक्ट पास किया हुआ है, पहले ही वो एक्ट पास कर दिया था 1795 में। उस एक्ट में बताया था कि 50 से ज़्यादा लोग कहीं भी इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते हैं, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, 80,000 वर्कर्स यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और सरकार से अपनी डिमांड करते हैं। लेकिन सरकार, आपको पता है, वो दमनकारी है, वो प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे 400 से लेकर 700 लोग घायल हुए थे और लगभग 18 लोग वहाँ पे जान से मारे गए। लेकिन मुझे लगता है ये आंकड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि 80,000 लोगों में से सिर्फ 18 लोग मारे जाएंगे, ये तो फैक्ट नहीं है। हालांकि विकिपीडिया से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, लेकिन जहाँ तक अगर मैं रैंडमली देखूँ तो इससे ज़्यादा लोग मारे गए होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये सिस्टम था, इसे पीटरलू मैसेकेयर कहा गया, जहाँ पे इतने सारे लोगों को मारा या इंजर्ड किया गया। सरकार को समझ में आया है कि अब हमें कुछ ना कुछ एक्ट पास करने होंगे, जिससे जनता की जॉब के लिए, उनकी जॉब सिक्योर के लिए, छोटे बच्चों से जो काम करवाया जा रहा है उनके लिए, साथ में वुमेन्स को जो काम करवाया जा रहा है उनके लिए, मेन है जॉब सिक्योरिटी, राइट टू वोट और अच्छा खाना। अगर ये चीज़ जनता को दे दिया जाएगा तो मैं भी शायद से ये सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हों ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ की पार्लियामेंट ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स ने, दोनों ने मिलकर फाइनली बिल पास किए। तो लॉ पास किए, वो लॉ आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ये लॉ आपने देखा था 1819 में, सबसे पहले बच्चों के रोज़गार को रोकने की मांग करी गई कानूनी तौर पर, और कहा गया कि वुमेन्स मेंस को, दोनों को जॉब्स मिलेगी। 1833 में लॉ पास हुआ, 1842 में लॉ पास हुआ, 1847 में लॉ पास हुआ, और फाइनली ये लॉ बनते चले गए। इससे इंग्लैंड के अंदर कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था काफ़ी हद तक ठीक हुई। सो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो एंड वी हैव फिनिश्ड। अब आपको क्या लगता है कि 18वीं शताब्दी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो सही था या गलत था, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दिस इज इट इन दिस चैप्टर, और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।